नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इधर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड के ऊपर लेके मैं आया हूँ ये वीडियो, जिसके अंदर मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर डिवाइस है जिसके अंदर आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, उस डिवाइस के अंदर आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर कैसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है यहाँ पर बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले के अंदर ही काम करता है, पर यहाँ पर कुछ ऐसे एप्स जो है आप सभी की मदद कर देते हैं। यहाँ पर जो आईपीएस डिस्प्ले है उसके अंदर भी आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ऐप आप सभी बताऊंगा, लगभग यहाँ पर 6 MB से नीचे का ये ऐप है और इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलेगा अपने हिसाब से। यहाँ पर क्लॉक, विजेट्स वगैरह जितनी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ऐप है, आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा। और एक ये इंडियन ऐप है, पहले ही बता दे रहा हूँ इंडियन ऐप है, यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर कि इंडियन ऐप है और इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन का फीचर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर इनेबल करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मित्र, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सब छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल अपना तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि चैनल के ऊपर ऐसे ही आपको बढ़िया कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया टेलीग्राम का उसके अंदर ही आप सभी को यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा उस एपीके का। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को जो एपीके डाउनलोड करना है वो आप सभी को यहाँ पर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है इसके ऊपर देखने को मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर आप सभी को जो एपीके है वो देखने को मिल जाएगा। लगभग यहाँ पर आप सभी को जो एपीके का साइज बता दे रहा हूँ, 6 MB से नीचे ही एपीके का साइज देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग बस इतना काम कर लीजिए, एपीके को यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली सा डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद एपीके कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। इस एपीके को यहाँ से ओपन करना है, उससे पहले आप लोग क्या करना है, अपना जो नेटवर्क है को बंद कर देना है, ठीक है। आपको अपना डाटा यहां से बंद कर देना है। डाटा इसलिए कह रहा हूँ बंद करने के लिए क्योंकि यहाँ पर जब आप इस ऐप को खोलते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो सिंपल जैसे यूट्यूब के ऊपर ऐड आ जाता है उस तरह का ऐड देखने को मिल जाता है। तो वो ऐड हटाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ डाटा बंद रख देना है इसका। फिर एलो परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा, हम थोड़ी यहाँ पर ब्राइटनेस देख लेते हैं, ब्राइटनेस फुल है। तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो ऐप है इसको यहाँ से क्या करना है, परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद बैक आ जाना है, बैक आने के बाद एक और परमिशन मांगेगा, इसको भी यहाँ पर अलो परमिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये क्रॉस का निशान है इनके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ऑलवेज एलो पर क्लिक करना है, फिर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करना है, फिर ऑलवेज एलो, फिर यहाँ पर ऑलवेज एलो और फिर यहाँ पर भी आपको ऑलवेज एलो के ऊपर क्लिक करना है। और ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है यहाँ से इनेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। पहला तो ये जो है कस्टमाइजेशन यहाँ पर सिंपल देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाता है कि आपको क्लॉक का स्टाइल कैसे रखना है। तो यहाँ पर कुछ इतने सारे क्लॉक दिए हुए हैं जो काफ़ी सारे यहाँ पर अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो। उससे पहले आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह के बारे में बता दूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो डिजिटल क्लॉक का जो कलर है वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर यहाँ पर रखना है। दूसरा यहाँ पर आप सभी को जो 24 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट देखने को मिलता है, अगर आप लोग उसको इनेबल रख सकते हैं इनेबल रखें, नहीं तो डिसेबल कर दीजिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर ऑटो एडजस्टमेंट ब्राइटनेस ऑन रखना है, जिसे क्या होगा, जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा तो जो आपको ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट करेगा, उसके हिसाब से भी आप लोग यहाँ से ऑन रख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से कस्टमाइजेशन के हिसाब से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो यहाँ पर हम कस्टमाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर कस्टमाइजेशन, आपको यहाँ पर जो एनालॉग जो क्लॉक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको बस अप्लाई थीम के ऊपर क्लिक करना है। तो अप्लाई थीम के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो चुका है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को एक और काम करना है कि यहाँ पर आपको रिसेंट मेन्यू को ऐसे प्रेस करके रखना है और इसको यहाँ पर प्रेस करके और आपको यहाँ पर इसको सिंपली बस लॉक कर देना है। लॉक इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए क्योंकि जब आप इसको क्लियर करोगे अपने बैकग्राउंड में से तो क्या होगा, जो ये एपीके है वो बैकग्राउंड में से क्लियर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि फिर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आप सभी को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो इस एपीके को आपने बस क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर लॉक रहने देना। और वैसे भी आपको कोई ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करने वाला, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि लोगों के मन में डाउट रहता है कि बैकग्राउंड में चल रहा था बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, कुछ नहीं। बस आप लोग एक दिन तक इसको बस बैकग्राउंड के अंदर बस लॉकर करके फिर उसके बाद आपकी मर्जी इसको आप हटा भी सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप लोग इसे ट्राई जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर आपको दिखाता हूँ कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे काम कर रहा है। तो हमें देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पावर बटन है इसको हमने प्रेस किया और प्रेस करने के बाद आप लोग खुद देखिए यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। ये है पोको M2 Pro और एक ये IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले और इसके अंदर आप लोग खुद देखिए ज़रा, अब आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल रहा होगा और थोड़ा आपको जो ये ब्राइटनेस थोड़ी कम देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आप बस टच करिए इस तरह और टच करते ही आप क्या होगा, आपका जो ये होम स्क्रीन है वहाँ पर भी आप लोग आ जाओगे। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से जो एनालॉग हमारा जो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर है इसका हम थोड़ा ब्राइटनेस और बढ़ा देते हैं। तो
तो यहाँ पर हमको बस सिंपली से सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके बाद हम इसको 100% पे सेट कर देते हैं और बैक आ जाते हैं। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पर लॉक कर देंगे तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आपको कुछ इस तरह का इतना ब्राइट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग खुद देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस अब बढ़ चुकी है। अभी ऐसी 2400 घंटे जो आपकी डिस्प्ले है ऐसी जलती रहेगी, जो कि थोड़ी बहुत तो बैटरी कंज्यूम करेगी। अगर आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इस्तेमाल करना है तो आप सभी को पता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो बैटरी है थोड़ी बहुत कंज्यूम होते हुए देखने को मिली जाती है। तो यहाँ पर अगले फीचर और कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो हमें एपीके को सिंपल सा बस ओपन करना है। एपीके जब आप लोग ओपन कर लोगे तो यहाँ पर जो आपको जो एंग्री बर्ड वगैरह करेक्टर यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि आपको यहाँ पर पबजी वाला, डू नॉट टच माई फ़ोन, ये जैसे आप यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे आप सभी को करेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर इमोजीज़ के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के यहाँ पर ब्यूटीफुल इमोजीज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको कौन सा मन पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया देखने को मिला है जो कि यहाँ पर एंग्री बर्ड वाला और एक जो ये मुस्टैच वाला, ये मुझे थोड़ा बेटर यहाँ पर देखने को लगता है। बाकी आपकी अलग पसंद हो सकती है, तो कुछ इस तरह के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सिंपली से एक बार एंग्री बर्ड वाला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ थीम को। तो हमने अप्लाई कर लिया इस थीम को और अब हम देखेंगे अपने यहाँ पर जो डिवाइस है ये देखिए। अब जो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जरा कितना मस्त यहाँ पर आइकन आया हुआ है, बैटरी परसेंटेज और सारा कुछ यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर है देखने को मिल जाता है यहाँ पर आईपीएस डिस्प्ले के अंदर। तो बस आपको बस सिंपली से अनलॉक करना है और आप चाहें तो इसको बस आप लोग बंद करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको बस फिंगरप्रिंट लगाना है और डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप सभी को कि और इसमें क्या कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर आपके भले के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैलेंडर भी आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो अब क्या होगा, लॉक स्क्रीन के ऊपर जो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी यहाँ पर मस्त देखने में लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, जब चाहे आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐप का साइज़ भी यहाँ पर 6 MB से नीचे है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं तो यहाँ पर बस एक बार हमारे जो ये इमोजीज है इसको यहाँ पर एक बार सेट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एंग्री बर्ड वाला करके दिखाई दिया, अब मैं एक बार ये वाला सेट करके देख लेता हूँ कि ये कैसा लगता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग खुद देखिए जरा कितना मस्त यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको बैटरी परसेंटेज सारा कुछ देखने को मिल जाता है। एक IPS डिस्प्ले के अंदर आप इसका मज़ा उठा सकते हो, जो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को लग जाता है। बाकी आप लोग बताइए कि आपको ये APK कैसा लगा और जिसमें फीचर है वो आप सभी को कैसे देखने को, क्योंकि मुझे तो APK बहुत अच्छा देखने को मिला। क्योंकि देखिए APK का साइज़ भी ज़्यादा नहीं है, आपकी मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी और जो रैम है वो भी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर फिर भी एक बार क्लीन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में से सारे ऐप क्लीन कर दिए, तो मेरा 4 GB रैम वाला डिवाइस है तो इसमें यहाँ पर 1.3 GB दिखा रहा है। फिर मैं एक बार और क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर, 2-3 बार क्लियर करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मेरा 1.3 GB ही दिखाता है या फिर 1.5 GB या 1.6 GB यहाँ पर मेरी मेमोरी यहाँ पर हमेशा शो करती रहती है। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो अब देखते हैं हमको कितनी मेमोरी दिखाता है, तो अभी 1.2 GB है। और ये देखिए दोस्तों जब मैंने यहाँ पर इसको बैकग्राउंड से यहाँ पर हटा भी दिया APK को तो भी मुझे यहाँ पर 1.3 GB ही रैम खाली देखने को मिल रहा था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसे बैकग्राउंड के अंदर भी चलने दोगे तो भी आपका ज़्यादा रैम यहाँ पर कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चल रहा फिर भी मुझे 4 GB में से 1.3 GB ही देखने को मिल रहा है। जब मैंने इसको लॉक किया हुआ था तो भी मुझे इतना ही देखने को मिल रहा था। तो साफ साफ इसे पता चलता है कि इसको जब आप लोग यहाँ पर रिसेंट मेन्यू के अंदर लॉक करके रखेंगे तो भी यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं होगी। आप लोग बस इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा APK देखने को मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन के फीचर देखने को मिल जाते हैं। आपको कौन सा इनमें से बढ़िया लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे तो ये सारे मस्त लग रहे हैं यहाँ पर। मैं तो एक एक करके इनमें से कोई ना कोई ट्राई करता रहूँगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को लग जाता है। बाकी आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये कितना ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मुझे तो बहुत अच्छा देखने को लग रहा है। बस ऐसी कमाल की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर APK का फाइल दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।